किरण रिजिजू का भी टीम बनने लायक औरत है। मुझे बड़ा हंसी आता है यार। मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें कंफ्यूजन क्या है। नंबर वन कंफ्यूजन है इस ये पार्टी जो है गन सुरक्षा पार्टी के बारे में मैं बताती हूँ। अभी गन सुरक्षा पार्टी जो है फॉर्म हुआ है 2019 में। इसका फाउंडर मेंबर है नवकुमार शरण्या, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम असम कोकराझार, और वो एक शरण्या कम्युनिटी से है जिसको सब बोरो भी कहा जाता है। वो फुल प्लेस बोरो में भी शायद नहीं आता है। तो शरण्या साहब टू टाइमर वो एमपी बन चुके हैं कोकराझार कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन इंडिपेंडेंस है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, ये से इंडिपेंडेंस है। पब्लिक के डिमांड पर इंडिपेंडेंस से एमपी कॉन्टेस्ट किया। 2014 में वो एक बार जीता और 2019 में एक बार जीता। और उस मामूली से दिखने वाले का आम इंसान में क्या खास बात है आपको पता है? पूरा इंडिया में हम लोग का 500 एबोव लोकसभा सीट में सबसे हाईएस्ट मार्जिनलाइज वोटर्स के साथ विक्ट्री होने वाला ये है नवकुमार शरण्या। इवन नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट इनको मिलता है। ये रिकॉर्ड है इनका इंडिया में, आज तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा है। तो ये उनका पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता था। जब हम जंतर मंतर पर अरुणाचल नारी शक्ति टीम, अगर यहाँ चार पांच नारी शक्ति आप लोग आज मौजूद हो तो आप लोगों को याद होगा, जब हम नारी शक्ति टीम 26 नवंबर में जंतर मंतर में हम लोग धरना कर रहे थे, वो दिन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के खत्म हुआ वाला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, वो दिन में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ था बोल के वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे था। तो नारी शक्ति टीम हम लोग वहां अपना धरना कर रहा था, तो मेरा पर्स मुलाकात ये नवकुमार शरण्या सर से हुआ। क्योंकि हम लोग तो अपना प्रोग्राम कर रहा था ना, वो लोग भी सामने किसी और प्रोग्राम में आए हुए थे, लेकिन उनको जब उन्होंने देखा कि अरे पूरा अपना अरुणाचल का माँ लोग गले पहन के ट्रेडिशनल मिशी ड्रेस पहन के बैठा हुआ है, तो साहब वो अपना प्रोग्राम का मंच से उठ के हमारा मंच में उठ के आ गया। आकर के उन्होंने हमारे बीच में हमारे लिए भी बात रखा, करप्शन के अगेंस्ट भी मुद्दा उठाया। उसके बाद में उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया हम लोग को शायद, तो बोला कि मैं एक ट्राइबल आइडियोलॉजी वाला पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने जा रहा हूं, और आपका ये जो लड़ाई है पॉलिटिक्स में बिना घुसे कभी सक्सेस नहीं होगा, आपका इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो मैं असम का एक ट्राइबल बेटा हूं, इसलिए ट्राइबल पार्टी एक फॉर्म करने जा रहा हूं, आप हो सके तो बाद में हमारे साथ जुड़िएगा बोलकर ओपन इनविटेशन सबका सामने में, कोई चोरी चुपके नहीं। हाँ आप लोग नारी शक्ति मेंबर लोग याद कीजिए, दिया था तो वो कार्ड को मैं रखा था। रखने के बाद में दोबारा उस बीच में मैंने कभी सर को कांटेक्ट नहीं किया। हाँ मेरा परमेश्वर देख रहा है अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो, मैंने कभी बीच में सर को कांटेक्ट नहीं किया। उस दिन लेटेस्ट जब मैं दिल्ली, मैं यहां से डेड बॉडी बनकर निकली थी अरुणाचल प्रदेश से, मुझे फूड में पॉइजन दिया गया था, फूड पॉइजनिंग होके हालत खराब, मेरा ब्लड डाउन, हेमोग्लोबिन कम, और यहाँ ब्रेन में ऑक्सीजन पास नहीं हो रहा है, पूरा गोल ब्लैडर में पॉइजन पहुंच चुका था, लीवर को फेलर करने वाला था। तो यहाँ हेमा हॉस्पिटल में 2 सप्ताह बैठने के बाद यहाँ से निकल के गुवाहाटी गए, गुवाहाटी में आईसीयू में बैठा है। वहां से डॉक्टर जब डिटेक्ट करता है कि ये पॉइजन है, इसको आप सक्शन आउट करना पड़ेगा और इसका और भी सारा मॉडर्न मेथड से आप ट्रीटमेंट, आप दिल्ली जाइए बोल के जब भेजा, तब मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली में हॉस्पिटल में लेट लेट के ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ काम नहीं होता है, सोशल मीडिया में अभी जैसा बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तो भाई बहनों को उठा करके अपू अपा एक्ट में उठा के जेल में डाल के रखा है। मैं सिर्फ फेसबुक में लिख रही थी अपने मन की बात को, अपने सोच विचार को, मुंह से भी नहीं बोल पा रही थी बीमारी के चलते, तो फेसबुक में जितना लिख सका लिखा, जितना फील कर सका किया। बाद में धीरे धीरे जब बात करने की कंडीशन में आई तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को अपील करता है। उस बीच में मेरे अरुणाचल के सारे पब्लिक मेरे साथ पहले से जुड़े हुए थे, तो हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। रात के 2 बजे भी किसी पब्लिक का मुझे मैसेज आता है तो मैं जागी हुई होती हूँ तो मैं तुरंत रेस्पॉन्ड करती हूँ। अगर गलती से थोड़ा आंख बंद हो जाता है तो मैं चाहे जितना लेट आवर्स हो, मैं देखने के बाद उस मैसेज को मैं जरूर रेस्पॉन्ड करती हूँ, और कोई भी मिस कॉल होता है तो मैं जरूर कॉल बैक करती हूँ। ये मेरी अपनी मतलब मेरी अपनी क्वालिटी है
कि चाहे 24 घंटा पहले मुझे कॉल किया गया हो या 38 घंटा पहले किया गया, लेकिन मेरे मोबाइल पे मिस कॉल है तो मुझे उसको कॉल बैक करना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। तो उसी तरीके से जब जुड़ी हुई थी, पब्लिक ने बोला कि आपको वेस्ट पार्लियामेंट का एमपी बनकर के दिल्ली जाकर के लड़ाई को लड़ना है, लड़ाई को बीच में नहीं छोड़। मैं तो ये जो मेमोरेंडम कॉपी है ये मैं पब्लिक आप लोगों के बीच में डिस्ट्रिक्ट लेके आने वाली थी एज एएसी चेयरपर्सन, मेरा हेल्थ खराब नहीं होने से मैं ऐसी टीम के साथ आप लोगों के बीच में मैं डिस्ट्रिक्ट आने वाली थी कि ये मैं आप लोगों को देना चाहती थी पब्लिक को, कि अभी इसके ऊपर फैसला पब्लिक की दरबार में किया जाए, पब्लिक का अदालत में किया जाए। तो पब्लिक का अदालत में क्या होता है, पब्लिक का अदालत 5 साल में सिर्फ एक बार ही लगता है, और वो अदालत इतना पावरफुल वाला अदालत होता है कि उसको पब्लिक अगर मिसयूज कर देता है तो हमको ऐसे मतलब गड्डी गड्डी कागज लेकर के रास्ता में भूखा नंगा प्यासा चिल्लाकर घूमना पड़ता है। पब्लिक अगर सही डिसीजन देगा तो अपना हम लोग अपना राज्य को अपना समाज को हम लोग सुरक्षित कर सकेगा। तो इसीलिए मैं इसको लेकर के आपके बीच आऊंगी सोच ही रही थी, लेकिन नहीं आने से पहले मुझे सब लोगों ने बोला कि नहीं आपको वेस्ट पार्लियामेंट का एमपी कैंडिडेट आना है। तो मैंने तय किया कि अच्छा ठीक है, मैंने मंजूर कर दिया, चलो मैं वेस्ट पार्लियामेंट की एमपी बनकर के दिल्ली जाऊंगी।